मेरे प्रिय स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज फिर से आपको आईटीआई ज्ञान ट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे बने क्लिपर की टाइप्स के बारे में, जो पिछले वीडियो में हम लोग सीखे थे कि बने क्लिपर क्या है, बने क्लिपर के रीडिंग के बारे में सीखे थे, उसके सिद्धांत के बारे में सीखे थे और मेटल के बारे में सीखे थे। ठीक है, तो इस तरह से हम पिछले वीडियो में सीखे थे और आज हम सीखेंगे कि वह कौन कौन से टाइप्स होते हैं और वह टाइप्स का उपयोग कहाँ करते हैं और वह टाइप्स में वह उपयोग जो करते हैं उसका नामकरण किस प्रकार पड़ा है ना, उस सभी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए हम आते हैं। देख रहे हैं आपको बोर्ड पे, आप लिखे हुए देख रहे होंगे कि यह आपको बने क्लिपर के टाइप्स है। तो बने क्लिपर के टाइप्स जो होता है मुख्यतः छह प्रकार को होता है। बने क्लिपर के टाइप्स जो होता है मुख्यतः छह प्रकार को होता है, जो आपको बोर्ड पे लिखा हुआ आपको दिख रहा है। ठीक है, इस लिखे हुए बने क्लिपर के टाइप्स में प्रत्येक बने क्लिपर के टाइप्स को हम लोग समझेंगे। जैसे कि फ्लैट एज बने क्लिपर, फ्लैट एज बने क्लिपर जैसे कहते हैं तो उससे क्या होता है कि फ्लैट एज जो बने क्लिपर की जो जबड़े होंगे वह फ्लैट होगा, उसकी मेजिंग सरफेस जो होगा वह फ्लैट होगा और वह उसका एज जो बना होगा वह क्या होगा, फ्लैट होगा, जो वह आपको बाहरी सतहों को मापने के लिए यह उपयोगी होगा। बाहरी सतहों को मापने के लिए यह उपयोगी होता है और उसके मेजिंग सरफेस फ्लैट होने के कारण उसका नाम रखा गया फ्लैट एज बने क्लिपर, अर्थात उसे बाहरी ही माप लिया जा सकता है, आंतरिक माप या गहराई माप नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि नाइफ एज बने क्लिपर में, कि नाइफ एज बने क्लिपर जैसे ही आपको नाइफ कहते हैं, नाइफ मतलब चाकू, तो चाकू की धार के अनुसार, चाकू की धार के अनुरूप आपको बने क्लिपर के जो जबड़े जो होते हैं उसी के अनुरूप बना होता है, जो इनसाइड है ना, जो इनसाइड को मापने के लिए, इनसाइड मापने के लिए, आंतरिक माप मापने के लिए यह उपयोगी होता है। तो आंतरिक माप मापने के लिए यह उपयोगी होता है जो नाइफ एज बने क्लिपर, इसको कहा जाता है जो चाकू धार नुमा उसके जबड़े होते हैं जो आंतरिक माप मापने के लिए यह उपयोगी होते हैं, तो इसीलिए इसका नाम रखा गया नाइफ एज बने क्लिपर। नेक्स्ट आते हैं कि डेप्थ गेज बने क्लिपर, डेप्थ गेज बने क्लिपर तो यह नाम रखा गया, लेकिन इसका दूसरा नाम यूनिवर्सल बने क्लिपर कहते हैं। यूनिवर्सल बने क्लिपर, इसका उपयोग सभी बने क्लिपर से अधिक किया जाता है, ताकि यह इस बने क्लिपर में आपको देखेंगे कि इस बने क्लिपर में जैसे कि आपको देख रहे हैं कि डेप्थ गेज बने क्लिपर में आपको आउटसाइड इनसाइड डेप्थ तीनों माप आसानी पूर्वक आप ले सकते हैं। ठीक है, इसी कारण इस यूनिवर्सल डेप्थ बने क्लिपर का या आपको डेप्थ गेज बने क्लिपर का उपयोग अधिक किया जाता है। उसके बाद एक ये आप देख रहे हैं कि फ्लैट एज और नाइफ एज जो सीख लिए, उसके बाद है कि फ्लैट एंड नाइफ एज बने क्लिपर। तो फ्लैट एंड नाइफ एज बने क्लिपर में आप ध्यान देंगे कि आपको फ्लैट और नाइफ मतलब आपको उसके मेजिंग सरफेस जो होगा आपको चौड़ा से बना हुआ होगा और एक चाकूधार नुमा में बना होगा, अर्थात इससे बाहरी और आंतरिक दोनों माप आसानी पूर्वक ले सकते हैं। लेकिन यूनिवर्सल बने क्लिपर में क्या बताएं कि आपको आउटसाइड इनसाइड और डेप्थ तीनों माप ले सकते हैं, तो इसलिए इसका उपयोग हम लोग करते हैं बने क्लिपर का जो अधिक, कौन बने क्लिपर का, डेप्थ गेज बने क्लिपर का, या इसका दूसरा नाम यूनिवर्सल बने क्लिपर कहते हैं। ठीक है, तो यह इसका अधिकांश उपयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं कि गियर टूथ बने क्लिपर, गियर टूथ बने क्लिपर जैसे कहते हैं तो आपको सीधा समझ में आना चाहिए कि गियर है ना, गियर के बारे में जान रहे हैं कि गियर जो होता है एक दूसरे गियर में स्पर्श कर, एक दूसरे गियर में स्पर्श कर पावर को ट्रांसमिट किया जाता है, पावर को ट्रांसमिट करता है, एक दूसरे गियर में मैच कर और पावर को ट्रांसमिट करता है। तो गियर टूथ में जो गियर को है ना, गियर की मोटाई, गियर के जो मोटाई होता है, जो उसके दांते जो बना होता है उसकी मोटाई और एडेंडम जो उसके पिच सर्किल होता है
जो क्रेस्ट और रूट जो बनता है उसके बीच में आपको पिच सर्किल होता है, तो उस पिच सर्किल से आपको क्रेस्ट तक के जो गहराई होता है उसको एडेंडम बोला जाता है। तो एडेंडम और गियर की मोटाई को मापने के लिए आपको गियर टूथ बने क्लिपर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि आपको डायल क्लिपर, डायल क्लिपर क्या है। तो डायल क्लिपर में जैसे हम लोग कह रहे हैं कि डायल क्लिपर क्या है, तो डायल क्लिपर एक बहुत ही उपयोगी डायल क्लिपर होता है। ठीक है, जैसे कि उपयोगी क्या होता है कि इसमें आपको आउटसाइड इनसाइड डेप्थ तीनों मापने के लिए उपयोगी होता है। यह इसका जो सिद्धांत होता है अन्य कैलिपर से आपको चेंज होता है। यह अन्य कैलिपर जो के जो सिद्धांत बताए थे आपको कि बने कैलिपर मेन स्केल और बने स्केल के अंतर के सिद्धांत पर वह कार्य करता है, लेकिन इसका उसके क्या है विपरीत है, इसके बारे में विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। जैसे क्या पढ़ेंगे हम लोग के डायल कैलिपर है ना, डायल कैलिपर जो है आपको इसका लिस्ट काउंट क्या होता है। ठीक है, डायल कैलिपर का लिस्ट काउंट क्या होता है, डायल कैलिपर की जो बनावट है वह किस प्रकार होता है, सिद्धांत क्या है ना, उसके बाद बने कैलिपर डायल कैलिपर का आपको लिस्ट काउंट कैसे ज्ञात किया जाता है, उसका रीडिंग कैसे ली जाती है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए डायल क्लिपर को हम लोग ऊपर नोट करेंगे। ठीक है, इस पर ध्यान देंगे आप लोग देंगे। चलिए हम लोग ध्यान देंगे कि डायल क्लिपर, ठीक है, डायल क्लिपर के बारे में पढ़ेंगे कि डायल क्लिपर क्या है। तो डायल क्लिपर एक प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंट है। डायल क्लिपर क्या है, एक प्रेसिजन इंस्ट्रूमेंट है, एक सूक्ष्मापी यंत्र है, जो यह बने क्लिपर की आकृति के ही होती है, लेकिन इसका सिद्धांत चेंज होता है। जो बने क्लिपर मेन स्केल और बने स्केल के अंतर के सिद्धांत पर कार्य करता है, और डायल क्लिपर रैक और पिनियन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, रैक और पिनियन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका धातु जो होता है वह आपको बने क्लिपर के ही जो निकल क्रोम स्टील के बना होता है उसी का आपको डायल क्लिपर भी बना होता है, लेकिन डायल और अन्य जो भागे जो होते हैं कुछ आपको समझे के सिर्फ वह अलग मेटल का होता है, लेकिन मुख्य रूप से निकल क्रोम स्टील के बना होता है। तो आपको कभी भी बताएंगे कौन सा धातु की बनी होती है, तो निकल क्रोम स्टील के ही बनी होती है। इसका लिस्ट काउंट आपको, लिस्ट काउंट क्या होता है कि लिस्ट काउंट के बारे में हम लोग जानेंगे। लिस्ट काउंट में मेट्रिक में ही अधिकांशता जो डायल क्लिपर जो होता है वह मेट्रिक में ही बना होता है। ठीक है, मेट्रिक में ही उपयोग अधिकांशतः किया जाता है मशीनरी क्षेत्र में। तो उसके जो लिस्ट काउंट जो होता है 0.01 mm, ठीक है, या 0.02 mm, या 0.005 mm, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिस्ट काउंट आपको होता है 0.05 mm, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको उसका लिस्ट काउंट होता है, किसका, आपको इस बने क्लिपर के लिस्ट काउंट होता है। उसके बाद उसके बारे में जानेंगे कि बने क्लिपर की धातु के बारे में भी बता चुके हैं कि धातु कौन सा धातु निकल क्रोम स्टील के बनी होती है, और डायल क्लिपर में आपको डायल लगा होता है तो उसमें लिस्ट काउंट कैसे ज्ञात किया जाता है। जैसे मुख्य रूप से 0.01 mm या 0.02 mm जो लिस्ट काउंट जो कैसे ज्ञात किया जाता है उसके बारे में जानेंगे, और वह कैसे आपको रीडिंग ज्ञात किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि आपको थोड़ा सा ध्यान देंगे कि आपको रैक है ना, आपको मान लेते हैं कि यह रैक है, एक रफ आपको थोड़ा सा फिगर आप देखेंगे, यह क्या है, यह एक रैक है। ठीक है, इस रैक पर आपको दांते कटा हुआ है ना, इस रैक पे आपको क्या है, दांते कटा हुआ है। आप कहेंगे कि सर सीढ़ी बना दिए हैं, तो ऐसी बात नहीं है। यह रैक आप मान लीजिए एक सिंपल वे में बनाएंगे यदि उसको, तो समय लगेगा,
है ना, सिर्फ समझने के लिए हम बनाए हैं कि आपको एक यह रैक है, ठीक है, और उस रैक पे आपको दांता कटा हुआ है, उसके खांचे कटा हुआ है, और इस रैक पर आपको पिनियन, ठीक है, इस रैक पर आपको पिनियन मैच कर रहा है, और यह आपको आगे पीछे समझे कैसे चक्र काट रहा है, किस पर, रैक पर या पिनियन, और ऐसे पिनियन के मध्य में आपको निड लगा होता है, और वह निड निडले डायल पर बनने के लिए पड़ के डायल पर आपको क्या करता है, वह डायल को चक्कर काटता है, ठीक है, आगे पीछे करते हैं तो आपको डायल को क्या करता है, आगे पीछे चक्कर काटता है। तो उस क्रम में हम लोग देखेंगे कि जो बना होता है, यह जो देख रहे हैं कि यह आपको रैक और यह जो आप देख रहे हैं कि पिनियन, जो देख रहे हैं, तो रैक और पिनियन में आपको जो क्या देखेंगे कि रैक जो बना होता है 0.5 mm की पिच से, है ना, इसको यह जो बना होता है 0.5 mm की पिच से, 0.5 mm की पिच से यह इस पर दाता कटा होता है, ठीक है, 0.5 mm की पिच से इस पर दाता कटा होता है। तो इस पर दाता कटा होता है जो 1 mm, है ना, जो 1 mm के दूरी में दो दाता कटा होता है, आपको काटा होता है। देखिए, समझना बहुत जरूरी है कि रैक की जो बनावट होता है वह आपको 0.5 mm की पिच से उस पर दाता कटा होता है, जो 0.5 mm की पिच के जो दाता है, जो 1 mm में दो दाता कटा होता है, 1 mm में दो दाता कटा होता है, जो आपको पिनियन, जो मैच करता है रैक पर, जो इसके जो पिनियन के जो दाता होता है, वह पिनियन के जो दाता होता है वह आपको 5 दाता होता है, 5 दाता आपको होता है, पिनियन के जो दाता होगा वह कितना होगा, 5 दाता, ठीक है। तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपको यह पिनियन एक चक्र जब घूमेगा, यह पिनियन इस रैक पर एक चक्र जो घूमेगा तो वह 2.5 mm आगे बढ़ेगा, ठीक है। जो पिनियन, आपको पिनियन एक चक्र घूमेगा तो कितना आगे बढ़ेगा, 2.5 mm, 2.5 mm आगे बढ़ेगा। तो 2.5 mm आगे बढ़ेगा, इसका मतलब क्या हो गया कि 2.5 mm आगे बढ़ता है तो यह आपको डायल, जो निडले जो लगा होता है वह आपको इसे पिनियन में बीच में, पिनियन के बीच में आपको एक स्पिंडल लगा होता है, और उस स्पिंडल में निड लगा होता है, तो उस निड के में जो ऊपर जो निड जहां रहता है उसके चारों तरफ आपको उसके बेस जो होता है उसको डायल लगा होता है, तो उस डायल को 250 डिवीजन विभागों में वह बटा होता है, ठीक है, 250 डिवीजन विभागों में बटा होता है। तो 250 मतलब पिनियन जो एक चक्र में 2.5 mm आगे बढ़ेगा, है ना, तो आपको डायल पर, डायल क्या होगा कि 250 डिवीजन के बराबर होंगे, ठीक है। थोड़ा सा गौर से फिर समझेंगे कि पिनियन एक चक्र में जो घूमेगा 2.5 mm, ठीक है, 2.5 mm, तो डायल
पर जो आपको विभाग जो बना होता है वह 250 डिवीजन के बराबर होंगे, ठीक है। पिनियन 2.5 mm आपको घूमता है, ठीक है, दूरी तय करता है एक चक्र में 2.5 mm दूरी तय करता है। तो डायल डिवीजन के कितना विभाग तय करेगा, तो डायल डिवीजन का 250 डिवीजन तय करेगा, 250 डिवीजन तय करेगा, 250 विभाग तय करेगा, ठीक है। तो 250 विभाग तय करेगा, तो एक डायल डिवीजन की मान क्या होगा, तो एक डायल डिवीजन की मान आपको हो जाएगा 2.5 बाई 250, ठीक है। इसको पॉइंट को हटाते हैं तो यहाँ जीरो आ जाएगा, और इसको काटते हैं तो आपको यह आ जाएगा। तो इसमें हम क्या पाते हैं कि 1/100, इसको जब डिवाइड करते हैं तो 0.01 mm आता है, ध्यान देंगे। तो यह कितने आसानी से आपको इसका लिस्ट काउंट आ गया, लेकिन लिस्ट काउंट समझने के लिए हमको फिर से ध्यान देना पड़ेगा, फिर से थोड़ा सा इसके बातों के मैटर को समझेंगे, क्योंकि नहीं समझेंगे तो फिर अच्छी तरह समझ में नहीं आ पाएगा। जैसे क्या समझना है कि आपको जो रैक के जो बना होता है दाता, वह दाता 0.5 mm की पिच से बना होता है। पिच के बारे में आप समझ रहे हैं कि दो दांतों के बीच की दूरी को पिच कहते हैं। जो रैक पर जो बना होता है, जो 1 mm में दो दाता बना होता है, 1 mm में दो दाता बना होता है, तो 1 mm में दो दाता बना होता है, जो आपको पिनियन के परिधि पर जो दाता होता है वह 5 दाता होता है, पिनियन के परिधि पर 5 दाता होता है। तो पिनियन एक चक्र में, है ना, पिनियन आपको इस रैग पर एक चक्र जब घूमेगा तो कितना दूरी तय करेगा, 2.5 mm, आपको 2.5 mm दूरी तय करेगा, ठीक है, जो डायल डिवीजन का 250 विभाग के बराबर होगा। डायल डिवीजन का जो 250 डिवीजन के बराबर होगा, तो एक डायल डिवीजन की मान क्या होता है, तो एक डायल डिवीजन की मान के बारे में बताएं कि आपको 2.5 mm को 250 से जब डिवाइड करते हैं तो 1/100, और जब इसका डिवाइड करते हैं तो 0.01 mm आता है, ठीक है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि किस तरह आपको इसका लिस्ट काउंट कैसे ज्ञात किया जाता है, जो वह 0.01 कैसे आया, ठीक है। इसके बारे में आपको वीडियो से इसके अच्छी तरह देखेंगे। फिर नेक्स्ट आते हैं कि आपको, चलिए ध्यान देंगे कि हम लोग इस तरह से आपको लिस्ट काउंट जो 0.01 mm जो लिस्ट काउंट होता है उसके बारे में हम लोग सीखें, ठीक है। और इस तरह से आपको समझे कि 0.02 mm जो लिस्ट काउंट जो होगा वह नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में बताएंगे, और उसको बताने के बाद हम लोग माइक्रोमीटर में आ जाएंगे, ठीक है। माइक्रोमीटर के बारे में पढ़ेंगे कि बारीकी से कि माइक्रोमीटर क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होता है, सिद्धांत क्या होता है, कौन से धातु के बना होता है। तो इस तरह से हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हमें यह इस वीडियो को हम समाप्त करने से पहले हम थोड़ा सा आपको सूचना याद देना चाहते हैं कि आप लोग, हम जो मेहनत करते हैं इस वीडियो को बनाते हैं, ठीक है, आप लोग के लिए, आप लोग इसके अध्ययन करते हैं, तो ऐसे वीडियो पाने के लिए हमें क्या होना चाहिए कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबाए, है ना। और इस तरह से क्या होगा कि आप लोग का जो मेरा वीडियो बना हुआ तुरंत आप लोग को नोटिफिकेशन पहुंचे और आप लंबावित हो और प्रभावित हो, और अन्य समझिए कि इस व्यक्ति को जब शेयर करेंगे तो उस वो भी लाभ उठाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप भी लाभ उठाइए और दूसरों को भी उसको लाभ उठाने दीजिए जो आपको भी याद करेगा, है ना। तो इस तरह से हमारे वीडियो को अच्छी तरह लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए जागरूक हो और हमें उत्साह बढ़े। यदि आप उत्साह नहीं बढ़ाएंगे तो यह वीडियो बनाने में हमें रुचि नहीं जागेगा और आपको, आप अध्ययन करने में
अवरोध उत्पन्न हो जाएगा, आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।